हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन ओपन किए हैं जिसके माध्यम से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस प्रकार किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं मात्र 10 सेकेंड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर नॉलेज को, नो फेक ओनली यूजफुल वीडियो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन ओपन किए हैं जिसके माध्यम से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो आपको हम बता देंगे कि किस प्रकार आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तब तक आप समझिए हम किस प्रकार बता रहे हैं कि आपको फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम यह फ़ोटो सेलेक्ट किए और यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो आ चुका है और इसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पर आपको इसको साइड करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कट आउट, यहाँ पर एक कट आउट देख सकते हैं। तो इस कट आउट पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं कट आउट पर और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से फोटो के साइड से ऐसे इसको ऐसे चला देना है। यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं साइड में, और इसको ऐसे कर देना है पूरे फोटो को। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका मोबाइल हैंग कर रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा मोबाइल हैंग ना करे तो उसका वीडियो मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है, जाकर वहाँ वॉच कीजिए। और उसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे देंगे। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद हमें ऊपर जो एरो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर दिए और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा काला है, काला बच गया है। तो इसको हमें क्या करना है, जो काला यहाँ पर बच गया है यानी हमारा जो फोटो का बाल बच गया यानी हेयर बच गया है, तो इसको भी इसमें स्टोर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं री स्टोर है। यहाँ पर साइड में री स्टोर पर क्लिक, और इसके बाद यहाँ से थोड़ा जूम कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर जो हेयर है हमारा तो उस हेयर पर ऐसे ड्रैग कर देंगे और जहाँ जहाँ भी आपका बच जाएगा जिसको आप चाहते हैं फ़ोटो में लेना तो वहाँ पर इसको री स्टोर को ऐसे कर देंगे पूरा सेलेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेव पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग हो रहा है और जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगा पूरा कंप्लीट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं साइड में हल्का हल्का जो आ रहा है, यहाँ पर जो हल्का हल्का साइड में आ रहा है वाइट कलर, तो इसको हटाने के लिए हम फिर से यहाँ पर कट आउट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं ऊपर में, और इसके बाद यहाँ पर इरेज पर यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐसे साइड से ऐसे इरेज कर देंगे हम जो हमें पार्ट नहीं चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं बाल पर थोड़ा सा ये जो रेड कलर है वो हट चुका है, इसको रीस्टोर पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं और इसको यहाँ पर पुनः इसमें शामिल कर लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे में है तो इसको भी कर लिए और इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फ़ोटो है फाइनली हमारा फ़ोटो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो चलिए
चलिए इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं इस एप्लीकेशन को कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम प्ले स्टोर को ओपन किए हैं और यहाँ पर सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है पिक्स आर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्स आर्ट सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हैं और ये जो ऊपर में आ रहा है एप्लीकेशन, इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पर अपडेट दे रहा है। ये एप्लीकेशन अपडेट मांगा है हमको, तो हम इसको अपडेट दे देंगे और आप यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये फ़िलहाल में 37 MB का एप्लीकेशन है। इसका ज़्यादा उपयोग यूट्यूबर करते हैं वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।